जब सेना का कोई जवान शहीद होता है तो हर तरफ उसकी वाहवाही होती है, मीडिया पूरा कवरेज देती है और सरकार भी शहीद के परिवार से पूरी मदद करने का वादा करती है। लेकिन अगर जीते जीते एक जवान शिकायत करता है तो उसे दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ता है। तेज बहादुर अपनी खाने की शिकायत की सजा अब भी भुगत रहा है। अब एक और जवान परेशान है और न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। किरण पाल पिछले कई सालों से न्याय के लिए भटक रहे हैं और असम राइफल्स ने मुझे मतलब अपने तरह से एक ग्रेजुएटी टू पेंशन आउट किया 2014 में, जो कि मुझे पेंशन आज तक नहीं मिली। मेरा मुद्दा तो ये है कि असम राइफल्स पे दोहरी कमान है। असम राइफल्स की जो कमान है वो ऑपरेशन एक्टिविटी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है और असम राइफल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमान है वो गृह मंत्रालय के पास है। तो इन सब बातों को लेके मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन फाइल करने के बाद में जो हमारे साथ में पहली प्रताड़ना हुई वो छोड़िए, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमारे साथ में जो हो रहा है कि अगर कोई जवान न्यायपालिका जाता है तो क्या उसकी अगर वाइफ या उसकी पत्नी वहाँ पे या उसका कोई भाई सर्विस कर रहा है तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ये सरकार उसको प्रताड़ित करेगी? मेरी वाइफ फ़िलहाल में 43 असम राइफल्स में है और मेरी वाइफ को इस पिछले 2 सालों के अंदर छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो चाइल्ड केयर लीव भी काट के गई है, लेकिन इस बीच में उसको कई बार पोस्टिंग ऑर्डर के लिए बता देते हैं कभी कि भाई आपको फिर पोस्टिंग जाना है, और 4 द्वार से हम हाफलोंग गए, 8 महीना नहीं हुए, उसके बाद में हमको दूसरा पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया और वो भी पोस्टिंग ऑर्डर उस यूनिट में 36 असम राइफल्स में भेजने का दिया कि जहाँ पे हमारे साथ कर्नल दुष्यंत सिंह ने एक बर्बरता तरीके से मार पिटाई की, देख सकते हैं आप। तो क्या जिस यूनिट में इतनी बड़ी घटना किसी महिला के साथ में हो जाए, ये आप देख सकते हैं, तो वो उस यूनिट में पोस्टिंग जाने के बाद में क्या अपनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी? करेगी। तो इन सब बातों को लेके हमने आपसे ये सहयोग मांगा है कि सरकार से ये उम्मीद है कि अगर इन सब बातों की रिपोर्ट लेके हम कल गृह मंत्री जी के पास गए माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के पास, तो वहाँ हमें ये जवाब मिलेगा कि भाई हम किसी भी अर्धसैनिक बल के सिपाही से नहीं मिलते। खुद उनके जो पीए है सोलंकी जी, वो कहते हैं कि साहब किसी सिपाही से नहीं मिल सकते। तो क्या जब ये बीजेपी सरकार आई थी, राजनाथ सिंह जी आए थे, गृह मंत्री बने थे, तो हमारे परिवार वालों ने उन्हें वोट नहीं दी? और अगर हम दोहरी कमान के लिए, असम राइफल्स की दोहरी कमान को न्यायपालिका में चुनौती देने के लिए जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे, न्यायपालिका में न्याय की उम्मीद करेंगे, तो क्या राजनाथ सिंह जी हमको अपने घर से भगाएंगे? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? अरे सुनिए तो सही, हमको प्रताप क्या बोला, टाइम दिया मिलने को? नहीं नहीं, हमको कोई टाइम नहीं दिया, हमको सीधा वहाँ से उनके घर से भगा दिया, हमें सीधा उनके घर से भगा दिया गया कि साहब जो है किसी अर्धसैनिक बल के जवान से नहीं मिलना चाहते। उसके बाद में मैंने उनकी शिकायत जो है मेरे जो MP है और मिनिस्टर भी है अभी फिलहाल में महेश शर्मा जी, उनके यहाँ पे गया और मैंने ये सारी बातें उनको बताई कि एक देश का गृह मंत्री जो इतने जवाबदार पद पे बैठा हुआ है, इतना वरिष्ठ प्राइम मिनिस्टर के नीचे वाला पद है, जवान अगर वीडियो वायरल करते हैं अपनी शिकायत के थ्रू तो आप उनको डिसमिस कर देते हो। अगर जवान आपका अपने मन की दुख की बात आपसे बताना चाहता, आप सुनना नहीं चाहता, अगर प्रॉपर चैनल रिपोर्ट करते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। मेरी वाइफ ने 10-10 लेटर प्रॉपर चैनल लिखे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हम प्रॉपर चैनल ही कर रहे हैं। तो ये सारी बात जो है ये सरकार ये जता रही है कि भाई हम छोटे लोगों के साथ नहीं है, और सिपाही किस परिवार से होता है, छोटे परिवार से। असम राइफल्स में क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। दोहरी कमान में जवान डेली शोषण का शिकार हो रहे हैं। अगर हमने उसकी न्यायपालिका में गुहार लगाई है तो वो न्यायपालिका में छोड़ा जाए ना उस मैटर को। राजनाथ सिंह जी समझना नहीं चाहते, लेकिन उसका बदला मेरी वाइफ से क्यों लिया जा रहा है, मेरे परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है? तो इन सब बातों के लिए हम मीडिया और आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहते हैं देश की जनता के से कि अपील करना चाहते हैं कि भैया आप देश के गृह मंत्री जी से और जो उनके पीए है सोलंकी, उनसे पूछे कि क्या सिपाही से घृणा है? अगर सिपाही से बदबू आती है तो जितनी वोटों से मोदी जी सत्ता में आए हैं उसमें सिपाही के परिवार की कोई वोट नहीं थी क्या? अरे इतनी नफरत के सिपाही को आप अकबर रोड में उनकी उनका बंगला है वहाँ से भगा रहे हो? मेरे पास प्रूफ है, मैं कल फाइल लेके गया, मैंने MHA में भी उनको फाइल दी है, ठीक है, सबको मैं देता फिर रहा हूँ, ये शोषण के लिए ही फाइल है।
जो हम हमारे असम राइफल्स के मैटर है वो हमने न्यायपालिका में रखे हुए हैं। असम राइफल्स के अंदर जो रिक्रूटमेंट रूल पॉलिसी है 2011 की, कल मैं वो लेके गया कि वो भी होनी चाहिए, हमारी बात सुनते नहीं है, कहाँ जाए जवान। तो यही अपील है कि एक देश के जो गृह मंत्री है उनसे ये बात बिल्कुल हमको सही नहीं लगी, और हमें लगा है कि भाई इस देश में अब इतनी तानाशाही हो चुकी है कि आप चैनल वालों से पूरी तरह उम्मीद है कि आप इसकी आवाज़ बताओ। और मैं एक पीड़ित सिपाही नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं इस सच्चाई की रिपोर्ट कल डॉक्टर महेश शर्मा जी को कैलाश हॉस्पिटल जाके दे चुका हूँ, कुछ छुपा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि अगर रेल एक्सीडेंट होने पर सुरेश प्रभु जी का मंत्रालय चेंज हो सकता है तो राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री के लायक नहीं है, इनको तुरंत गृह मंत्री से इनको हटाया जाए। एक सिपाही को ऐसे शब्द बोलना, और अपने ही जाति के सोलंकी जो उनके जाति के पीए उनको रखते हैं पीए, ऐसे बात करते हैं क्या? हमको गेट से भगाएंगे? हम भी सिपाही हैं, हमने भी देश की सेवा करी है ना। मेरा परिवार, मेरी वाइफ भी सिपाही है, वो भी देश की सेवा कर रही है ना, तो हमारे साथ ऐसा होगा नहीं। गृहमंत्री जी गृहमंत्री के लायक नहीं है। जब देश में सभी को अपनी बात रखने का हक है, तब एक जवान का इस तरह से परेशान होना सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाता है। और एक जवान ये भी पूछना चाहता है कि क्या न्याय और सम्मान पाने के लिए शहीद होना ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।